की कसम आंखों में आंसू आ जाते हैं कि खुदा ने इसको इतनी इज्जत बख्शी। खुदा की कसम अल्लाह ताला चौधरी रुखसार को हमेशा हमारे सुरूप पे कायम रखे, और अल्लाह ताला चौधरी रुखसार हर हर 5 साल बाद हमारे सरों पे हाथ रखे, अल्लाह ताला चौधरी रुखसार को कामयाब करे। बाकी मेरे भाइयों जिधर भी आज के टाइम सच्ची बात है, जिस यूनियन कौंसिल में भी जिधर भी चली जाए यकीन जाने कि वहाँ का इसी तरह समुद्र मारता हुआ ठंडे मारता हुआ समुद्र होता है। चाहे वो हो, चाहे वो मोरी बलवारा हो, चाहे वो मंगला हो, चाहे वो काजी चक हो, जिधर भी जाए इसी तरह यकीन करने खादर मिलती होती है, लेकिन 2000-3000 के चलने का फील होता है। तमाम दोस्तों बुजुर्गो भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज चौधरी कोटवा वालों आपने ये महफिल सजा के अब यकीन करें कि दिल जीत लिया है। मैं आज यहाँ पे आके दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, मजा आ गया आपके हाथ दरमियान बैठ के। स्पेशली आज नौजवान बच्चा जकी जो आया था स्टेज पे, जिसने कहा कि मेरा पहला आखिरी खिताब है, मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये खिताब का सिलसिला 25 तारीख तक हमारा जारी रहना चाहिए। तुमने किया, तुमने आज सारी महफिल का दिल जीत लिया है। मेरे दोस्तों को क्योंकि टाइम की किल्लत है, बहुत सारे दोस्तों ने आना है, मैं शॉर्ट और मुख्तसर अफ्तों में कुछ बातें करूंगा। मैं सबसे पहले हरियाणा जनता जनियर कोटला आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने जिस तरह हमारा इस्तकबाल किया उसकी मिसाल नहीं मिलती, और ये इलेक्शन जो मैंने ये बात कही थी कि ये रेफरेंडम इलेक्शन है और इसमें झूठ एक तरफ और सच एक तरफ हो जाएगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गो, मेरे महाजीन जो डेली बेसिस पर झूठ बोलते हैं, आज अल्लाह के फजल और करम से ये जम्मे गफीर ये बात बता रहा है कि यूनियन काउंसिल अफजलपुर नहीं, हर यूनियन काउंसिल अफजलपुर है। मेरे भाइयों और बुजुर्गो, मैंने आज आपको ये बात बताऊं कि मेरी वालदा इंग्लैंड में, मेरी फैमिली भी बहुत सारी इंग्लैंड में, लेकिन आपकी खिदमत के लिए मैं 24 घंटे अपने दरवाजे खोले रखता हूं, इंग्लैंड भी नहीं जाता। और इसकी वजह यह है कि कहीं मेरे घर कोई आए तो वो कहे कि मुझे मिला नहीं। मेरे भाई और बुजुर्गों और नौजवानों, आपको 20 साल पहली सियासत पता नहीं है कि आज से 20 साल क्या होता था पहले। ये जो प्रधानमंत्री है, इन प्रधानमंत्रियों का ये स्नेहा बनते थे, लेकिन आज ही अभी आपको पता है कि ये घुटनू पर हो गए, घुटनू पर ये घुटनू पर बैठ कर वोट मांग रहे हैं। और ये किसने किया? मैं इनको घुटनू के बल ले आया हूँ, और इनका 5 साल एक वजीर आजम रहा है। नौजवानों, 5 साल वो वजीर आजम रहा, मुझे कोई ये बात बताए कि मास वाए 3000 कनाल रकबे पर कब्जा करने के अलावा इसने कोई काम किया? सुल्तान महमूद ने 3000 कनाल पर इसने कब्जा किया हुआ है। और मैं आज ये एजेंसियों से ये बात कहता हूँ, और सबसे ये बात कहता हूँ कि ये जो कब्जा ग्रुप है, मुझे पता है इससे हमारी जान छूट गई। इसके अपने लोग जो मेंबर में बैठकर ये कह रहे हैं कि ये कभी वजीर आजम नहीं बन सकता, इसके अपने उम्मीदवार ये बात कह रहे हैं, ये बातें करते हैं। ये चौधरी अरशद ने कोठी कहां से बनाई? ये कोठी तुम्हारे अरशद करप्शन से बनाई है, और तुम्हारा केस अभी भी मेरे पास है, निकाल लूंगा। मेरे भाई और बुजुर्गो, मैं क्योंकि ज्यादा वक्त ले गया, टाइम बहुत कम है, मैंने आगे राजा व्याकुल साहब के घर भी जाना है। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।